हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। आई होप गाइस कि आप अपनी लव लाइफ के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ क्या हैं। चाहे आप लोग कम्युनिकेशन में हैं, चाहे आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं, चाहे आप दोनों की अच्छी बन रही है, नहीं बन रही है, जो भी कोई सीन चल रहा है, आज हम लोग एक कलेक्टिव गाइडेंस देखने वाले हैं दैट वट यू आर फीलिंग एंड वट योर पार्टनर इज एक्चुअली फीलिंग फॉर यू। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेली आप लोगों को लव रीडिंग देखने को मिलती है रात को 10:10 पर, और ये टाइमिंग मैंने बहुत सोच समझ के रखा है आप सभी लोगों के लिए। आई होप आप लोग इंजॉय करते हैं लव रीडिंग्स देखना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगी कि आप लोग क्या सोच रहे हो, ठीक है? आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो। ऐसा करने से ये होगा कि आप अच्छे से समझ पाओगे कि आज की जो रीडिंग है वो आपके लिए है या नहीं है, ठीक है जी। 10 of Swords, 8 of Swords, द वर्ल्ड, Five of Swords, Nine of Pentacles and the Devil. Bottom of the deck, Two of Pentacles. My beautiful, beautiful collective people, मुझे यहाँ पर जो महसूस हो रहा है वो है कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर की ना अच्छी बन नहीं रही है। मतलब आप और आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आप प्यार भरे संबंध में हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके का ना इम्बैलेंस एनर्जी है, या मैं अगर ऐसा बोलूँ तो गलत नहीं होगा, समहाउ टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। दैट मीन्स या तो आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो अभी आपके बर्दाश्त से बाहर हो गई है, ठीक है। आपने ना बहुत कोशिश कर ली अपने आप को उस नेगेटिव अलाइनमेंट से बाहर निकालने की, बट स्टिल आप ना ओवर थिंकिंग और ओवर अजम्पशंस में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। आप चीज़ों को मौका नहीं दे पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके मन में होप है कि ये इंसान सुधर जाएगा, इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा मैं कर ही लूँगी या कर ही पाऊँगा एक्सेट्रा, बट स्टिल आपके मन में ना बहुत सारे डाउट्स हैं अपने पार्टनर को लेकर के। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ जैसे कि इन्होंने ना डेविल का कार्ड है, या तो थर्ड पार्टी की वजह से, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स हों, या फिर पर्टिकुलरली कोई थर्ड पर्सन हो, या किसी तरीके का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसर हो। इन्होंने ना उसकी बात में आकर के आपके साथ कुछ तो ऐसा नेगेटिव किया जिसकी वजह से आपने अपने आप को हमेशा ट्रैप्ड महसूस किया। मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही फ्रेश सा रिलेशनशिप है, नहीं। मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि ये इंसान ना आपकी ज़िंदगी में बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जाएंगे तो 3-6 महीने चले गए, और फिर आए, फिर कुछ समय रुके और फिर चले गए। अपनी मजबूरियों का बहुत ज़्यादा आपको बहाना देते रहते हैं, और सोच की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। दैट मीन्स आप अपनी लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी ऊर्जाओं को ना संजो नहीं पाते हो। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है, भाई ऐसा मैं क्या करूँ जिससे इस आदमी को अक्कल आ जाए, ठीक है, या मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये समझने लग जाए कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत सारे दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं कि 10 of Swords की एनर्जी में हो आप। आपने इस पर्सन के लिए हमेशा बहुत किया है, और जब इनिशियल डे ऑफ रिलेशनशिप रहे हैं ना तो आप दोनों ने एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा प्यार एक दूसरे के साथ महसूस किया जैसा प्यार आपने कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा रिलेशनशिप रहा है जिसके अंदर आपने परेशानियों को बहुत देखा है। 10 of Swords का कार्ड है, पास्ट में बहुत कुछ नेगेटिव रहा है इस पर्सन के साइड से आपके लिए, एंड राइट नाउ यू आर इन अ वेरी टेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। हो सकता है कि ये इंसान जो है आपको अभी बहुत ज्यादा परेशान, दुखी और
विवश वाली एनर्जी में महसूस हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप इस पर्सन के लिए रुको या आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मैं आप लोगों को आज इस चीज़ की भी गाइडेंस दे दूंगी दैट यू गाइज नीड टू बी वेट और मूव ऑन फ्रॉम दिस एनर्जी। लेकिन पता है क्या होता है, कोई स्विच बटन नहीं होता है मूव ऑन होने का। मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों ने ना बहुत बार बहुत कोशिश करी है कि आप मूव ऑन हो जाओ इस इंसान से, आप आगे बढ़ जाओ इस इंसान से, लेकिन समहाउ आपके साथ हमेशा एक चीज़ रही है और वो ये है कि मन नहीं मांगता। कोई सामने बहुत उससे भी कई गुना ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन भी आके खड़ा हो जाए ना, फिर भी आप लोगों का मन नहीं मांगता। आप हर वक्त ना उसी की ऊर्जा में रहते हो, आप हमेशा हर वक्त उसी पर्सन की एनर्जीज में ना एकदम परेशान से रहते हो, वो चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ और जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ना कहीं नुकसानदेह है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, जो आगे चल कर के भी आपको बहुत सारा नुकसान दे सकती है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बहुत टफ एनर्जीज हैं, पता है, मैं सच्ची बताऊँ। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, आप इस इंसान के उस चीज़ में ना सर्कल में घूमते रहते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन क्या है, हो सकता है क्योंकि कुछ लोग कार्मिक सोलमेट्स हैं, कुछ लोग सोलमेट्स हैं, कुछ लोग प्रॉपर कार्मिक हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि सारी एनर्जीज हैं यहाँ पर, मतलब जैसे कहते हैं ना पूरी की पूरी खिचड़ी पकी हुई है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप बहुत बिफला गए हो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम मतलब बंदा टूट सा जाता है, इंसान है ना परेशान हो जाता है, रोज़ की वही चिक 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 चिक। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि एकदम लॉस्ट कम्युनिकेशन में विद दिस पर्सन। ये इंसान जब आया तो बहुत अनएक्सपेक्टेड मोड पर आया था और अब जब गया है तो बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से गया है, झुंझला के गया, तोड़ के गया चीज़ों को, और आप अब इस एनर्जी में हो विद द टू ऑफ पेंटिकल्स कि भाई रुके या कुछ करें, सोचे या आगे बढ़ जाए। टू ऑफ पेंटिकल्स टोटली वेरी इंडल्जिव एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरी एनर्जीज। रुकूं आगे बढ़ूं, हो सकता है आप लोगों के लिए रिश्ते आ रहे हैं, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो अभी आपकी एज है तो आपके पास में रिश्ते बहुत सारे आ रहे हैं। आप जो है सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूँ, आगे बढ़ जाऊँ, रुक जाऊँ, मौका दे दूं इस इंसान को। एक आपकी इनर जो इंटेंशंस हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दी आपके करंट फीलिंग्स, अब मैं बताती हूँ आपको आपकी इनर इंटेंशंस क्या है इस पर्सन को लेके। आपकी इनर इंटेंशंस हैं यहाँ पर इस पर्सन को लेकर के ढेर सारा वाला प्यार, भरपूर प्यार करते हो आप इस इंसान से, मतलब इसने आपको जितना मर्जी दुख दिया, जितना मर्जी आपको परेशान किया, ठीक है, जो भी किया, इस इंसान के साथ आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है माई ब्यूटिफुल पीपल। एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है आपकी इनर इंटेंशन, आपका इनर जो ट्रू इंटेंशन है ना इस बंदे को लेकर के, वो है भरपूर प्यार। एस ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार, मतलब जिसे कहते हैं ना भर भर के प्यार, इतना प्यार कि कम पड़े, अकेले बंदे के लिए कभी कम ना पड़े। हेरोफेंट, आप इस पर्सन के साथ शादी रचाना चाहते हो, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, इस इंसान के साथ ना इनफैक्ट आप ग्रो करना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, मैरिज करना चाहते हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को और बढ़ाना चाहते हो। दिस इज़ आई एम गेटिंग। आपको होप है, आज भी आपके आपके मन में होप है। हो सकता है इस इंसान की किसी और के साथ शादी हो गई हो सकता है इस इंसान का किसी के साथ डिवोर्स का केस चल रहा हो, या हो सकता है इस इंसान का कुछ नेगेटिव पास्ट है जो कि इसको बार बार हॉन्ट करता है, ये बार बार आता है और आपकी लाइफ से चला जाता है। और हो सकता है कि अगर आपकी इस बंदे के साथ शादी भी हो गई है तो भी आप दोनों के बीच में फिर भी एक होप है, आप फिर भी मन में एक होप रख के बैठे हो कि एक दिन सब आए, जब आएगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा और ये इंसान ना समझेगा कि मैं इसे क्या समझाना चाहती हूँ, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, हो सकता है गाइज आप लोग इस पर्सन के लिए कोई ना कोई रिचुअल या कोई ना कोई रेमेडी करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे इस इंसान को अक्ल आ जाए। आप ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मैरिड हैं और आपने ऐसा सोचा है कि अगर बेबी कर लें तो शायद रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो जाए। तो ये तो आप लोगों की करंट फीलिंग्स है इस इंसान को लेके, ये है आप लोगों की करंट ट्रू इंटेंशंस। नाउ लेट्स सी, आप लोगों को अभी तक अच्छे से पता लग गया होगा कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है ना वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यू वर्सेस देम की एनर्जी है यहाँ पर,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे द फूल, एरीज लियो सजिटेरियस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सेवन ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फिर हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड्स अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है, जैसे आप लोगों में थी ना सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, वैसे ही यहाँ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है। फिर है डेविल, देख लो सेम कार्ड्स निकल रहे हैं, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो ये तो है भैया इनकी करंट फीलिंग्स। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्पेशली एरीज और स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है जी। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर इस फॉर्म ऑफ एनर्जी में अभी हाल फिलहाल ये है। अब बताती हूँ मैं आपको आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, उनके मन में जो गिल्ट है ना वो भर भर के है, मतलब यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, भर भर के गिल्ट है उनके मन में। उन्होंने जो किया है ना उस चीज़ का पश्चाताप है उन्हें बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लगता है कि वो इस सिचुएशन में जब उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, या इन शॉर्ट अगर किसी और से इन्फ्लुएंस हो गए, या जब आपको वो छोड़ के चले गए, चाहे वो उन्होंने किसी और से शादी कर ली, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद द डेविल, चाहे उन्होंने अपने घर परिवार को चूज़ कर लिया ऑन यू, ठीक है, अगर उनके पास में कभी कोई चॉइस आई कि आपको पिक करे, अपने घर वालों को पिक करे, तो उन्होंने अपने घर वालों को पिक कर दिया और आपको छोड़ दिया। तो इन सब सिचुएशन में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो इससे भी कुछ बेहतरीन आपके साथ कर सकते थे, जो कि एक वैल्यूएबल टास्क फॉर्म होता कि हाँ देख, मतलब एक मिसाल कायम हो पाती। उनको ऐसा लगता है कि उन्हीं के पास ये ऊर्जा थी, उन्हीं के पास ये पावर थी, उन्हीं के पास ये की थी कि वो इस की होल के अंदर की को डालें, इस दरवाजे को खोलें और आपके पास आ जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। इस चीज़ का उन्हें गिल्ट है, उन्हें मलाल है, और अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो वो फंस गए हैं ना, अब जो वो फंस गए हैं, इस ऊर्जा से कभी बाहर निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे, कभी निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वो उनकी पूरी ज़िंदगी अभी इस गिल्ट में ही रह जाएगी। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जो जब रियलाइजेशन होता है ना इंसान को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा बड़ा पश्चाताप इंसान कभी नहीं कर सकता, जब उसे रियलाइजेशन होता है कि उसने गलत किया है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है कि उस सिचुएशन में वो कुछ और अच्छा फैसला ले सकते थे, कुछ और अच्छा भी कर सकते थे, बिकॉज जो बॉल थी ना वो उन्हीं के कोर्ट में थी, उन्हें ही फेंक के उछाल के उस बॉल को, या तो जो लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पाले में डालनी थी, या फिर किसी और के में डालनी थी, या उसको अपने पास रखनी थी, उनके पास चॉइसेस थी समहाउ, ठीक है। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट उनके मन में अभी करंट फीलिंग्स ये है, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये जो सिचुएशन है वो सॉर्ट हो जाए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाए। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्लानिंग में है कि अब अगर इस वक्त मुझे कुछ बुरा भी करना पड़े ना तो मैं कर लूँ, लेकिन मैं उसके पास चला जाऊँ जिसके पास मुझे होना है, ठीक है। वी हैव अ कार्ड ऑफ सेवन ऑफ सोर्ड्स। हर वक्त मैं तो यहाँ पर ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे हर वक्त ना वो कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपके पुराने चैट्स, और आपके साथ जो जो उनकी बातें हुई, या जब आप लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनके दिमाग में, उनके जहन में सिर्फ एक चीज़ आती है कि ऐसा क्या करूँ मैं जिससे सब सेटल हो जाए। इस वक्त ना अगर उनको बोले ना कि हाँ भाई तू इसके साथ कुछ गलत कर दे, तो वो गलत भी कर देंगे आपके साथ होने के लिए, मतलब इतने ज़्यादा बौखला गए हैं, इतने ज़्यादा पागल हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ डेविल का कार्ड विद द फूल, दैट मीन्स अगेन द सेम एनर्जी कि किसी ने उन्हें चलाया आपके खिलाफ, या किसी ने उन्हें उकसाया आपके खिलाफ, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन रहा है आपके इस लव लाइफ के अंदर जो कि बहुत ही गंदा वाला विलन था, जिसने आप दोनों की जिंदगियों को तबाह किया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स के साथ, तो हो सकता है कि उनकी ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी करा दी, या हो सकता है शादी करा रहे हैं। अब उनकी जो करंट एनर्जी वो ये है कि वो रियलाइजेशन में है, पश्चाताप में है, प्लानिंग में है, कुछ ना कुछ तिगड़म लगा रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपके पास होने के लिए। आई एम डैम श्योर दिस पर्सन इज़ कमिंग।
आई एम डैम डैम श्योर दिस पर्सन इज कमिंग. इनकी ट्रू इंटेंशंस देख लेते हैं. फोर ऑफ वॉन्स, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइन ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ पेंटिकल्स. तो इनकी जो क्लियर प्रेजेंट ट्रू इंटेंशन है ना आपके लिए, वो है अगर आप लोग मैरिड हैं और आप लोग अभी अलहदा हो गए, अलग अलग हो गए, जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, तो ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ के अपनी शादी को बचाने आना चाहते हैं. पहला इनका ट्रू इंटेंशन. अगर आप लोग दोनों ही अभी अनमैरिड हो, है ना, एक दूसरे से आप दोनों की शादी नहीं हुई है, तो भी आई एम सीइंग हियर कि फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये अपने सारे वो जो परेशानी और जो दिक्कतें हैं ना, उन सबको ख़त्म करके, लोगों का ईगो, विश्वास, फलाना ढिमकाना सब तोड़ के आपके साथ एक शादी कर लेना चाहते हैं. एस ऑफ सोच का कार्ड है, इन्हें अच्छे से पता है माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल कि कहीं ना कहीं इनको आपके साथ होने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे. ये सब सोच का कार्ड है. एंड नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके साथ होने को ही अपनी ज़िंदगी की असली जीत समझते हैं. इन्हें ऐसा लगता है कि आपके सिवाय कोई भी अच्छा इंसान इन्हें नहीं मिल सकता. नाउ द नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा दैट व्हाट आर योर एनर्जीज एंड व्हाट आर दिस पर्सनस एनर्जी. नाउ लेट मी चेक इस रिलेशन का आगे क्या होने वाला है. नाउ मैं यहाँ पर तो ऐसा महसूस कर रही हूँ कि ये बंदा जो है ना आपके पास आएगा, या ये बंदी जो है ये आपके पास आएगी. बट लेट्स सी. स्क्रिजोफेनिया, पोस्टपोनमेंट, रिसेप्टिविटी, नथिंगनेस, पास्ट लाइफ स्ट्रेस. प्लीज डिवाइन एक्सपीरियंस गाइड करें, क्या इस रिलेशनशिप का एंड हैप्पी होगा. कंपैरिजन, द बर्डन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन. बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैवलिंग. अब ये चीज़ यहाँ पर 100% श्योर है माई ब्यूटिफुल कलेक्टिव पीपल दैट दिस इस इंसान के साथ ना आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है बहुत तगड़ा वाला. ठीक है, बहुत तगड़ा वाला पास्ट लाइफ का कनेक्शन है. या तो ये आपका ट्विन फ्लेम है या ये आपका सोलमेट है, और इसके साथ आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है जो ऐसे तो ईजिली नहीं टूटने वाला, आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो. फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ ढेर सारा वाला बर्डन, ढेर सारे वाले एक्शंस और ढेर सारी वाली परेशानियों को झेलने के बाद, ढेर सारे स्ट्रेस को झेलने के बाद, ये इंसान अपनी ज़िंदगी की कोई तो भी करंट ऐसी चीज़ चल रही है जिसको पोस्टपोन करके, ढेर सारे बर्डन और परेशानियों को साइड करके ना आपके पास आएंगे. क्योंकि अगर लास्ट में ये कार्ड नहीं आता ना ट्रांसफॉर्मेशन का, तो मैं आपको ये बात नहीं बोलती और कह देती कि आगे बढ़ जाओ. बट मैं आपको कहूँगी कि अभी कम से कम 3 महीने आप लोगों को इंतज़ार करना चाहिए. अब इंतज़ार किस तरीके से करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ. अगर तो ये बंदा नॉर्मल है, कोई कार्मिक है या कोई सोलमेट है या फिर अपना कर्म कंप्लीट करके आपके पास आ रहा है, तो चलो ठीक है. लेकिन एक पर्सन सोच के देखो कि अगर ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है. ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. चाहे आपका ट्विन फ्लेम नहीं भी है ना, तो भी आप लोगों को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, फाइनेंसेस, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी. इन टर्म्स में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो. अगर अभी 10 हो ना, तो 20-30 हो जाओ. आप जितना स्ट्रांगली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, द व्यूवर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आप जितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, ये इंसान उतना फास्ट और ग्रोथ लेके आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा. तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है आगे चल कर के हैप्पी होगा, ट्रांसफॉर्म होके होगा, पॉजिटिव तरीके से होगा. लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है अपने ऊपर. नाउ लेट मी चेक डिवाइन आपको क्या एडवाइस देती है फॉर दिस रिलेशनशिप. डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के लिए एडवाइस देती है कि आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है एंजल्स ने, डोंट वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. फुल पॉजिटिव करेज के साथ आपने आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चलाना है. एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर रोमांस एंड कनेक्शन. तो ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जो अभी बना और अभी ख़त्म हो गया, दिस इज़ नॉट लाइक दैट. ये कुछ बहुत स्ट्रांग है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऐसे ही ख़त्म नहीं होने वाला है. ओके,
सो इस चीज़ को याद रखें, एंड आई एम डैम श्योर इस रीडिंग की एक एक बात आप लोगों से सच होगी। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल फिर से लव रीडिंग देखने के लिए मुझे ट्यून इन करें रात को 10:10 पर। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलेंगे कौन नई रीडिंग में।